गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा मैसेजेस फॉर यू। नाउ दीज मैसेजेस कुड बी फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम एनीबडी। लाइक यू जस्ट नीड टू नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, टैरो में क्या चीज़ें जो हैं वो पॉपअप हो रही हैं, रिवील हो रही हैं, और क्या गाइडेंस आ रही है। जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे हम डेक्स जो है वो यूज़ करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ विच टैरो जो है वो डेक यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ अभी तक तो मैंने सिर्फ विजडम ओरेकल्स निकाले हैं। फिर हम देखेंगे कि रीडिंग जिस तरीके से प्रोग्रेस करती है उस हिसाब से हम ओरेकल्स भी जो है वो चेक करते रहेंगे। वीडियो को अभी ही लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। एक क्लिक का बटन प्रेस करने से कुछ नहीं होता, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे, तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड और वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। टैरो के अंदर जो कार्ड्स में मैसेजेस आए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करते तो अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा कि जस्ट बिकॉज ये टैरो के अंदर आए हैं तो ये मुझसे रेजोनेट करते हैं। टाइमलेस मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें अभी सिचुएशन से मैच नहीं हो रही होती, या कुछ चीज़ें अभी रिसेंट पास्ट में हुई होती हैं, कुछ नियर फ्यूचर में होने वाली होती हैं, हमें पता नहीं होता, कुछ दिनों बाद जो है वो चीज़ें वो हो जाती हैं। तो बट एनर्जी चेकअप्स जो होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जैसे मूड स्विंग्स होते हैं इसी तरीके से एनर्जी भी शिफ्ट और चेंज होती रहती हैं। तो अपने ऊपर कोई भी चीज़ अननेसेसरीली इम्पोज ना करें। अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, पैक हैं, सफोकेटेड हैं, एनी सॉर्ट ऑफ अ टेम्परमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ अ मोड यू आर इन, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओप्स, सॉरी, हाथ लग गया था मेरा। आज यहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी है। स्टार्ट। प्लीज कीप एन ओपन माइंड, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, गिव योर सेल्फ अ बिग स्माइल। ओके, एक कार्ड को तो खुद आ गया, लेकिन हम अभी इस कार्ड को नहीं लेंगे। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, I'll just take, I'm not going to have a cross spread. मैं कोई zodiac reading तो कर नहीं रही। Okay, सबसे पहला card, Knight of Swords. Okay. Please हमें guide कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट हमें प्लीज गाइड कीजिए। ऑलराइट, ये कार्ड पहले आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, द एम्प्रेस। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी सेट द कार्ड्स फॉर यू ताकि आपको कार्ड्स नजर आए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। टू मैसेजेस आर हियर जो मेरे व्यूअर्स हैं, या तो उनकी लाइफ में तीन लेडीज हैं। अगर ऐसा नहीं है तो
सबसे पहली बात, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, कोई एक पर्सन उनकी लाइफ में ज़रूर ऐसा है जिसको वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, गोल ओरिएंटेड, पैशनेट, एंड दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन, राइट? जो इस वक्त लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई फील कोई उनकी तरफ अप्रोच करने वाला है, कोई बहुत ही तेज़ी से बड़ी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आने वाला है, विद अ क्लियर माइंड, ओपन माइंड. ही और शी हैज़ समथिंग टू टेल यू. लेकिन जैसे ही, जितनी ही तेज़ी से वो आने वाला है, ऑफ़र उसके पास बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी. थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी लग रही है. जहन में उस पर्सन के बहुत कुछ है कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके पास आया जाए, लेकिन उसको ऑफ़र देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है. है भी तो बहुत ही छोटी सी. इट कुड बी अ टेक्स्ट मैसेज, इट कुड बी अ कॉल, इट कुड बी अ हाय हेलो, या कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपके कैलिबर को या आपके स्टैंडर्ड को या इस वक्त की करंट पोजीशन को आप को मीट नहीं करती है. विच इज़ वाई द रीज़न बिहाइंड इज आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत ही कंप्लीट पर्सन हैं. व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि तीन, दो क्वींस और एक एम्प्रेस, जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग पर्सन हैं. आपका स्टाइल, ये मेरे दो तीन दिन से ना मेरी रीडिंग्स में, मैंने तो भी खैर काफ़ी दिनों बाद रीडिंग स्टार्ट की है बिकॉज आई वॉज ऑन ब्रेक, बट एम्प्रेस का कार्ड बहुत निकल रहा है, बहुत आ रहा है. क्वींस का कार्ड बहुत आ रहा है. हर डेक, हर सेट ऑफ में जो हमारे डेक्स होते हैं उसमें क्वीन का कार्ड कल भी रिवील हुआ था, अभी भी रिवील हुआ है. व्हाट आई कैन फील के आपकी पर्सनालिटी बड़ी मोल्डिंग और ट्रांजिशन रखती है अपने अंदर. लाइक एक तरफ आप बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, हर तरीके से बड़े सिक्योर, बहुत नर्चरिंग है. एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक पुल. आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. आप जो चीज़ ठानते हैं वो करके छोड़ते हैं. आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आप कर लेते हैं. राइट नाउ व्हाट आई सी दैट यू आर इन योर कंप्लीट पावर. इस वक्त चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपके हक में हैं. या तो मुझे भी लग रहा है कि रिसेंटली आपने अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी कदर, अपनी वैल्यू, अपने आप को जाना है, जिसकी वजह से आप लोगों की अटेंशन, लोगों का टाइम, लोगों की एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपने पूरा फोकस लोगों का अपनी तरफ कर लिया है. इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, वर्किंग वुमेन और अ मैन, आप बहुत स्टेबल हैं. यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रही है कि अगर आपने सेल्फ वर्थ पे काम किया है तो इसको परमानेंट कर लें और इसको कंसिस्टेंट रखें, बिकॉज इसकी वजह से आप ब्यूटी, लग्जरी, फाइनेंस, मटीरियल, अटेंशन, पीस, लव, सक्सेस, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है. क्यों? क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होती हैं. आपका पूरा फोकस इस वक्त आपके अपने ऊपर है. लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, विजुलाइज़ कर रहे हैं,
इमेजिन कर रहे हैं, आइडियलाइज़ कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और कहीं कहीं पर कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी थोड़ा सा लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी भी हो रही है. तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज हियर व्हाट आई कैन सी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त ऐसी हुई हुई है कि आप डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, गोल सेटिंग में, पैशन में, डिटर्मिनेशन में इस वक्त बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं. बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये भी है कि शायद यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो अगर वीडियो देख रही हैं, टैरो रीडिंग्स फ्रीक्वेंटली देखते हैं, शायद कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट भी है. बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बिकॉज़ यहाँ पर एक लेडी हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं एंड शी इज़ ग्लोइंग. यू नो, जाहिर बात है प्रेग्नेंट तो औरतें ही होती हैं, बट दिस इज़ समथिंग हैपनिंग. ग्रीन आप इस वक्त नोटिस करें, या तो आप नेचर के बहुत करीब हैं, आप इस वक्त ब्लॉसम और क्या नाम है, फ्लावर्स, गार्डन्स, प्लांटेशन, एवरीथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रीनरी. कोई इस वक्त स्नोफॉल को भी देख रहा होगा. फ्लावर्स आर देयर, एनिमल्स आर देयर, यू आर लविंग द नेचर राइट नाउ. सो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली अच्छा फील कर रहा होता है. इट्स समथिंग वेरी नेचुरल एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ मैसेज इफ वी आर लुकिंग फॉर मैसेजेस. सो डेफिनेटली द मैसेज फॉर यू इज़ टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका फोकस अपने ऊपर होगा तो सबका फोकस आपके ऊपर होगा. एंड यू आर नॉट डूइंग इट टू ग्रैब द फोकस ओनली. इट इज़ एक्चुअली अबाउट यू. वेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर. आप खुद खुश हैं, आप आपका फोकस आप अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ अबाउट हेल्थ, अबाउट नर्चरिंग, अबाउट मेंटल पीस, अबाउट यू नो गिविंग कम्फर्ट टू अदर्स एंड टू योर ओन सेल्फ. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ. सो द मैसेजेस फॉर यू इज़ हियर इज़ टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्थ. आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने आप को फोकस करेंगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं वो आपको, आपसे इंस्पायर भी होंगे, आपको हासिल करने के लिए जो है वो कोशिश भी करें. बिकॉज ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आई थिंक कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अरसे से आना चाह रहा था, लेकिन शायद वो इसीलिए नहीं आ पाता था क्योंकि उसके पास कोई स्टेबल ऑफ़र आपको देने के लिए होती ही नहीं थी. और वो इसलिए नहीं होती थी बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस. You don't need anything. You don't want anybody. Like whoever the person is watching, either it's a male or a female, because ये gender specific तो नहीं होती. But आपको किसी, कोई भी आपको कुछ offer क्या करेगा? आपको किसी भी offer की कोई need ही नहीं है, ना financially, ना दूसरे तरीके से. आप हर तरीके से abundant हैं. तो जो भी person आपकी life में आता है, वो आने से पहले ये सोचता है कि वो आपको offer करे क्या, आपको दे क्या. वो आप हर तरीके से वो हैं, सफिशिएंट हैं. बट द पॉइंट इज़ कि बाज़ दफ़ा हमको ख़ुद भी नहीं एहसास हो रहा होता कि हम हर लिहाज से सफिशिएंट हैं, हम फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं. एक्चुअली वो चीज़ें हमारे अंदर ही मौजूद होती हैं, सिर्फ टटोलने की और उनको खंगालने की बात होती है. और आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपने ये चीज़ की है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने तमाम चीज़ें डाइवर्ट करके आपके सराउंडिंग में, आपके अराउंड जो है वो उनको एक अहाता, एक हाला, एक सर्कल बना दिया है. तो कीप डूइंग दिस, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव. लेट्स सी कि हमारे पास ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं, बिकॉज ये इतनी क्लियर रीडिंग है. इसमें एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई दो लेडीज़ हों, दो फीमेल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ आएगी और आपकी हीलिंग होगी. ये मुझे बड़ा स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए मिला है. इट्स नॉट समथिंग फॉर एवरीबडी, बट राइट नाउ आई थिंक ये जो दो फीमेल एनर्जीज़ हैं, दीज टू एनर्जीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हीलिंग. और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को देखें, आप अपने सर्कल में देखें, आप अपने कुलीग्स को देखें, आप अपनी फैमिली में देखें कि कौन से ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो आपको इस तरह का बना सकते हैं. ये मुझे अभी बहुत स्पेसिफिक मैसेज, अचानक से मुझे जो है ये मैसेज आया है कि कुछ लोगों ने तो इस पर काम कर लिया है, लेकिन अभी मुझे एकदम से ये फील हुआ कि किसी की अभी तक ये वर्किंग बाकी है. तो फोकस करें, थोड़ा सा ढूंढें
और देखें हो सकता है कि जिस तरीके से इन दो फीमेल एनर्जीज़ ने अपने आप को चेंज किया है और एक स्टेप लिया है स्टेबिलिटी के लिए, पैशन के लिए, एक होता है ना कि हिम्मत की है, इनिशिएटिव लिया है, एंड यू कैन डू द सेम थिंग। ऑलराइट, लेट्स सी। ग्रैटिट्यूड, सी, शुक्राने की बातें, अच्छा फील करना। एंड हियर ऑल्सो आई थिंक कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड कोई आपकी फ्रेंड है या आपका कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर है जो इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। समथिंग वेरी गुड न्यूज़ यू आर गोइंग टू हियर इन कमिंग डेज। यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की बात थी। अबंडेंस, सी, मुश्किल से आई है ये अबंडेंस, कोई आराम से नहीं आई। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप फुल फ्लेज अबंडेंट हैं, आप ये देखिए इस इमेज के अंदर एक पर्सन जो है वो बहुत परेशान है और एक पर्सन बहुत ही पुरसकून और बहुत ही सुकून, बहुत ही यानी उसके पास एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास पेंडुलम सॉर्ट ऑफ अ थिंग होती है जिसमें हम एक वेटिंग गेम कर रहे होते हैं, एक वो चीज़ भी है। और ये अबंडेंस कोई आसानी से नहीं मिली है, यू हैव गिवन अ लॉट प्रेयर। आपकी दुआएं इस वक्त सुनने का वक्त है, आप दुआएं कीजिए, प्रेयर कीजिए, आपके हक में हैं चीज़ें, आपके लिए मैसेजेस तो बहुत पॉजिटिव हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर परफेक्शन, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। A very good, a very positive, a very hopeful reading today. जितने भी मेरे viewers हैं, मेरी छोटी सी family है और इसमें जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपने अपनी self-worth की वजह से खुशियों को अपनी तरफ attract किया है। आपने अपने ऊपर तवज्जा दी, अपने बारे में सोचा, अपने आप को priority दी, तो आप देखिए कि हर चीज़ आपके लिए ठीक हो गई। आप लोगों को परफेक्ट लगने लगे हैं। मैसेजेस आपके लिए यही हैं कि आप इस वक्त लोगों के लिए भी दुआ मांगें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, बिकॉज न्यू ईयर है अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपने लिए डाइट के लिए भी फोकस करना चाह रहा है, कोई रेजोल्यूशन सेट कर रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ इग्नोर इट। और कोई हो सकता है बिकॉज सब लोग न्यू ईयर में अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अब कहते हैं वो अब रेजोल्यूशन सेट करेंगे, वो वेट लूज़ करेंगे, वो अपनी बॉडी पे तवज्जा देंगे, वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई अपना डाइट प्लान पे फोकस कर रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट हेल्थ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। यस, थिंग्स आर इन योर फेवर। जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज बिकॉज सब लोग थोड़ी बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे थे डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का फंक्शन और ऑर्गन जो होंगे वो एक्टिव होंगे। एंड देर इज़ अ गुड न्यूज़ आपके लिए, एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आप कभी भी शुक्र अदा करना ना छोड़ें। आप जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज में हैं, शुक्र अदा करना ना छोड़ें। ग्रैटिट्यूड अपनाइए, प्राइड ना अपनाइए। ये कल भी मैंने एक मैसेज दिया था, आज भी मैं दे रही हूँ, प्राइड में मत जाएं, ग्रैटिट्यूड में रहें, शुक्राने की, आजजी, मॉडेस्ट होकर रहें। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, आपके लिए खुशियाँ हैं, थिंग्स आर इन अ राइट डायरेक्शन, मैसेजेस आपके लिए आज यही हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी ब्यूटी का, अपनी थिंकिंग का, अपने मेंटल पीस का, सारी चीज़ें आपके हक में हैं। कोई आपको जो है वो विक्टिम प्ले नहीं कर सकता, आपको कोई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप अपने बारे में सोचेंगे, लोगों का नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है, एंड आई रियली क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग फॉर ऑल माई व्यूअर्स, दोज हु आर वॉचिंग इट। आई विश कि ये इसी तरह से हो, कमिंग डेज में हो, अगर आजकल हो रही है तो आजकल हो, एंड आई प्रे कि ऐसा ही हो। प्रेयर का कार्ड भी आया है और मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि ऐसा ही हो।
अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आप ही के लिए ठीक होंगी. सो कीप लविंग योर सेल्फ, कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स एंड द नेचर विल टेक केयर ऑफ यू. राइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. रीडिंग पसंद आई हो, मैंने कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, कार्ड्स आपके सामने हैं. जो कार्ड्स आए हैं मैंने सिर्फ उनको एक्सप्लेन किया है. राइट, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और के साथ भी रेजोनेट करे. हम बाज़ दफ़ा हमें पता ही नहीं होता हम कुछ कर रहे होते हैं और हमें मालूम ही नहीं चल रहा होता कि ये चीज़ें अच्छी क्यों हो रही हैं, सब कुछ सही क्यों हो रहा है. यूनिवर्स आपको आज ये मैसेज दे रही है कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो रखते रहिए. ठीक है, आई विल कम अगेन विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.